हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं तिरंगा मिठाई। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए 1 कप काजू और हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने गैस पर रख दिया एक पैन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और हमें गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर देना है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। इसे हम मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्राइंड किए हुए काजू। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है और गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, अदरवाइज ये चिपक जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी पाउडर। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप सिंपल चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर देंगे। हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये एक डो का शेप लेने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि ये गाढ़ा हो चुका है और साथ में पैन भी छोड़ रहा है। बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक पैन में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे 3 पार्ट में बराबर से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसको हम रख देते हैं क्योंकि हमें वाइट ही चाहिए। अब इन दोनों में हम कलर मिला लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है सैफ्रन कलर, इसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, नारंगी कलर हमारा रेडी है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, इसे भी डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे तीनों कलर तैयार हैं। अब मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिया है। उसके बाद हम इन सब से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इन्हें हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गोलियाँ बना ली हैं। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक गोली को ले लेना है ऐसे, ये देखिए मैंने तीनों गोलियों को इस तरह से हाथ में ले लिया है और हमें इस तरह से इन्हें गोल गोल कर देना है। ये बन गए ना बिल्कुल तिरंगा की तरह। बस ऐसे ही हमें सारी बना लेनी है। ये देखिए, है ना इसे बनाना कितना इजी, और बिल्कुल लग रहा है ना तिरंगा के जैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये तिरंगा मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है और देखिए दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। और आप सबने देखा इसे बनाना कितना ही आसान है। मात्र 3 चीज़ों से हमने ये मिठाई बनके तैयार कर दी है। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे आप ये मिठाई ज़रूर बनाइए और अपने सभी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय भारत। Thank you.